ये जो घर है ना इधर दिखाई दे रहा है मिट्टी का है, ऊपर से फिर से शेड पड़ा हुआ है। ये घर जो डेली बेसिस वर्कर हैं उनका है, ये जस्ट कोल माइन से बगल में ही है, ताकि वहाँ पे जाके लोग जो छुटपुट काम रहता है या फिर से जिस मैं व्हीकल में बैठ के घूम रहा था उसका जो ड्राइवर था तो वो उन्हीं लोगों में से होते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा कि आप देखे हैं, तो कोल माइंस के वजह से जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो मतलब जॉब है ही, लेकिन उसके अलावा भी ढेर सारे लोग हैं जैसे कि दूध वाला, सब्जी वाला, फिर से और भी ढेर सारी जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो सारी, तो इन्हीं में से जो लोग होते हैं वो जाके वो सारे काम करते हैं। या फिर से जो मेरे घर पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, या तो मैं ऑलरेडी वो वीडियो डाल दिया हूँगा या तो डालने वाला हूँ, तो वो जो काम चलता है वो सारी चीज़ें। ये जो दीवार दिखाई दे रही है इस साइड, ये इसके उस साइड वो क्या बोलते हैं यहाँ का, अरे स्टेडियम है, NCL का स्टेडियम है। यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट, कुछ लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। एज यू कैन सी ओवर देयर, यहाँ पे कभी हम भी आके यहाँ पे खेला करते थे। अभी यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो भी कॉलोनी के बच्चे होंगे वो आके खेल रहे हैं। देख सकते हैं फील्ड कितनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी फील्ड है। यहाँ पे दो बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। ये यहाँ की कॉलोनी है पूरी, लगभग ये कॉलोनी कितना हो सकता है, आई थिंक कम से कम 4 या 5 किलोमीटर के एरिया में, या मे भी उससे भी अधिक। ये तो मैं बस ये जो बता रहा हूँ 4 या 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में, ये जो मेरा जो कॉलोनी है इसके आसपास का एरिया है, और उधर भी कुछ कॉलोनियाँ हैं NCL की। और ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये स्कूल है। अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने घर के पास। घर घर बार बार निकलता है अपने रूम या अपने क्वार्टर, पापा यहाँ पे बोलते हैं अक्सर क्वार्टर, क्वार्टर पे जा रहे हैं, क्वार्टर से आ रहे हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो इसलिए ये सारी ऐसे लकड़ियाँ लगाई गई हैं ताकि कोई जानवर ना आके ख़राब ना करे। बेडरूम है, किचन एरिया है पूरा, और ये जो है फ्रंट रूम है। बाहर से दिखाते हैं कैसा दिखता है, बाहर का कुछ एरिया ऐसा है। और यहाँ पे जितने भी घर वगैरह हैं सारे के सारे एक जैसे हैं, क्योंकि कॉलोनी में सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग अगर कहीं कॉलोनी में रहे होंगे या कहीं भी अगर किसी के यहाँ गए भी होंगे तो कॉलोनी में हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलोनी हो या प्राइवेट कॉलोनी हो, जो भी सारे घर होते हैं वो एक जैसे होते हैं अंदर से लेके बाहर तक। पीछे का फर्श है वो टूट गया था तो उस पर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके बाद अभी हम लोग रूम से निकले थे, और रूम से निकलने के बाद शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे शॉपिंग करने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे घर के पास में ही कुछ दूर पे
एक छोटा सा प्लेस है, उसको शॉपिंग सेंटर हम लोग बोलते हैं। बचपन में जैसा था ये आज भी ऐसा है। चलिए आपको पास से दिखाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बट वेट, डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि ये जो क्लिप अभी आपको दिखाई दे रही है, जो पीछे मशीनें चल रही हैं, फिर से ये मंदिर दिखाई दे रहा है, और भी ढेर सारे सरप्राइजेज हैं। जब मैं इस MP टूर पे गया था तो इससे जुड़े रहने के लिए और ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ऑलरेडी मैं इसी प्लेलिस्ट में एक और वीडियो डाल चुका हूँ, वो जो कि NCL से रिलेटेड है। NCL की जो कोल माइन है, वहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे मशीनें चलती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दिखाई हैं। तो सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो जाइए और जाके देखिए, और वहाँ पे भी कमेंट करिए, और यहाँ तो कमेंट करके जाइए ही जाइए। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।